कोविड की वजह से पूरा एक साल हो गया हमारे चंबा के जितने भी कारीगर सारे छोटे छोटे, जैसे कोई चंबा चप्पल का था, छोकर का था, जरीज का था, और जितने जैसे होटल के थे हमारे व्यवसाय करने वाले, ये सारे सफर इन्होंने किए। तो मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर डिप्टी कमिश्नर चंबा और एस डी चंबा के तहत से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक नई सोच चंबा चलो अभियान चलाया हुआ। और मैं आपको ये बता दूँ, ये पूरे हिमाचल नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी धूम मची हुई है। मैं शिमला में था सेशन में, और मैंने माने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे सर 9-10-11 को चंबा भी चंबा बोलो, इसमें है क्या मंत्री मुख्यमंत्री। मैंने कहा रिंजन मेला से बड़ा इवेंट होने वाला है, तो माने मुख्यमंत्री जी मान के उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, 9 तारीख का डेट फिक्स की है चंबा की। उन्होंने कहा कि अगर मेरे को कहीं शिमला ना जाना तो मैं ना दिल्ली वगैरह का कोई प्रोग्राम ना आया तो मैं चंबा जाऊँ। और ये मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जिस तरह से अगर ये सक्सेस हो गया हमारा, क्योंकि कोविड चंबा में सामान्य रहा, तो ये बहुत बड़ी इवेंट होगी। तो इस प्रकार रेस होगी, दूसरी बाइक रैली होगी और लोगों का बड़ा भारी करिए, तो पूरे वर्ल्ड के मैं भी आ जाएगा चंबा। तो मेरे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये इवेंट ठीक ठाक होगी तो ये बेटर दृष्टि से चंबा बिल्कुल उभरेगा और लोगों को चंबा आने का एक क्रेज हो जाएगा। जैसे वी एस टीम साहब बोल रहे थे कि ये ऑल इंडिया की जो कार रेसिंग करते हैं वो कह रहे हैं कि हम हर साल यहाँ पर एज पर, तो इससे चंबा का नाम भी आएगा। ठीक कह रहे हैं कि अगर हम एक बार जाते हैं तो हम कहते हैं हम चंबा से हैं, तो चंबा से आए हम बोलते हैं कि डोजी के साथ आए, तब उनको पता लगे कि चंबा ही है। अगर ये इवेंट होगी तो चंबा का नाम जो है पूरे बांग में। अभी जो हम चलो चंबा जो हमारा कैंपेन है, जिसका ओवरऑल मकसद है कि चंबा के टूरिज्म को बूस्ट करना, जिसको एक सोशल मीडिया कैंपेन के लेवल पे बड़े अच्छे से हमारे सभी जो चंबा के लोग हैं उन्होंने प्रमोट भी किया, और बड़ी जन जागरूकता उस तरीके से है, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि हमारी जो इकॉनमी है, हमारे जो लोकल लोगों की इनकम है, वो टूरिज्म से जनरेट हो। अगर एक तरीके से देखा जाए तो चंबा अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है, परंतु उस लेवल का यहाँ पे टूरिज्म फुटफॉल नहीं है। और अगर हम ओवरऑल सिनारियो देखें तो अगर हमारे विभिन्न क्षेत्रों में इतनी खूबसूरत जगह में यदि टूरिज्म आता है तो हमारे लोकल लोगों की इनकम पे बहुत भारी फर्क पड़ेगा। और इसी को देखते हुए पूरा चलो चंबा कैंपेन जो है वो चल रहा है। इसका जो ओपनिंग इवेंट है वो हम रैली ऑफ चंबा के तरीके से करा रहे हैं। ये इस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ी रेसिंग जो है वो अब इस बार चंबा में होने वाली है, जिसकी डेट से 9, 10 और 11 अप्रैल। अब इससे पहले जो 2018 तक रेड्डी हिमालयास करके जो है रैली होती आई है, परंतु इस बार रैली ऑफ चंबा चल रही है। और अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे इस संदर्भ में है कि हमारी रेसिंग की सारे स्लॉट्स अभी तक फुल हो चुके हैं, कि जितनी भी हमारी कैपेसिटी थी वो पूरी भर चुकी है। टीम आर्मी भी आ रही है, और गाड़ियों की हमारे पास करीब 25 की कैपेसिटी है, और बाइक्स की 50 की कैपेसिटी, वो पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। अब हम इसके बाद अगर ये देखें कि ये रैली के साथ साथ रैली का प्रोग्राम क्या रहेगा, रैली में अभी तक जो हमारे पास नोटिस है उसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो हमारे पास इंटीमेशन आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी का आने का ओपनिंग में प्रोग्राम है, साथ ही मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किरण रिजिजू जी, उनका भी प्लान बन रहा है इस रैली इवेंट में आने के लिए। तो हम इस बात से ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक कैंपेन लोगों की जुबान पे भी आ गया है और लोगों का इस पे ध्यान भी है। जो रैली होगी, रैली की जो टाइमिंग्स है वो कुछ इस प्रकार से हैं, और इसको बताने का खास रीजन ये भी है कि उस समय पे ये वाले रूट्स रेसिंग के लिए ब्लॉक रहेंगे, तो उस क्षेत्र के उन पंचायतों के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बूढ़े हैं, उन सबसे मेरा एक अनुरोध है कि कृपया करके उस टाइम पे उस रोड पे ना आए, ये जान के लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 3 या 4 घंटे का वो स्पैन होगा, उसमें आप ना आए हम वहां पे अनाउंसमेंट भी कराएंगे, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी पास कर देंगे, परंतु आपकी जानकारी के लिए ये हम अभी से बताना चाहेंगे। 9 तारीख को जो हमारी रैली है, रैली में मेनली रेसिंग होगी, वो होगी पुलिस ग्राउंड में, और वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। जो जहां पे रेसिंग होगी उसका रूट ये है कि 10 अप्रैल को जहां पे रेसिंग होगी, ये पंचायतों के लोग कृपया ध्यान देके सुने भी इसको, कि ओबड़ी से कोलड़ी जो हमारा मार्ग है उसमें रेसिंग होगी, कोलड़ी से चेला,
उटीप से पनेला और सुंगल से सिडकुंड, ये सारी पंचायतें चार रूट्स हैं, ओबड़ी से कोलड़ी, कोलड़ी से चेला, उटीप से पनेला और सुंगल से सिडकुंड। 10 तारीख को सभी लोगों से अनुरोध है इन पंचायतों के कि कृपया करके इन रूट्स पे 10 अप्रैल 2021 को किसी भी हालत में इन रोड पे ना आए, क्योंकि रोड्स पे हम पुलिस डिप्लॉय कर रहे हैं, अपने वॉलंटियर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। आपसे हार्दिक मेरी मतलब पूर्ण रूप से ये अनुरोध है कि किसी भी हालत में जिस टाइम पे रेस हो ना आए, क्योंकि गाड़ी की उस टाइम स्पीड ज्यादा होगी। किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को हम नहीं चाहते, हमारे लोगों की जान बहुत ही अमूल्य है, तो कोशिश करें ना आए। 11 तारीख को नोट कर लें, 11 तारीख को जो जिन रूट्स पे रेसिंग होगी वो है सिडकुंड से माणी, कैवली से मसरूंड, गुन्नू नाला से कैला और पनेला से उटीप। 11 तारीख को 11 अप्रैल 2021 को सिडकुंड से माणी, कवाली से मसरूंड, गुन्नू नाला से कैला और पनेला से उटीप, इस पे रेसिंग होगी। सभी पंचायतों के लोग इस पे ना आए। इसके अलावा जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम्स है, हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिपेंड करेगी हमारे, जिस तरीके से हमने सेलिब्रिटीज वगैरह हमारे सारे उनकी डेट सेट है आने के लिए, परंतु कोविड के होने के कारण, केसेस बढ़ने के कारण, हम देखते हैं इस बारे में पूरा प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा कि इसको किस रूप में कराया जा सकता है और कैसे कराया जा सकता है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कराया जा सकता है, उस विषय में पूरा प्रशासन चर्चा में है। सभी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी चर्चा में है, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन आपको समय के साथ दे देंगे जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।